इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी अभी, और किसी तरीके के नए तथ्य सामने आएंगे तो उसको एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम तौर करेंगे। जो पकड़ा गया है वो पानीपत के ही रहने वाले हैं और वहीं से उसमें यूपी वगैरह में काफी रेड्स वगैरह कंडक्ट करी गई। दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या करने वाले चार आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बता दें कि हत्या की वारदात को अंजाम 28 जुलाई 2023 को समय दिया गया था, जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत क्लास को खत्म कर अपने घर झज्जर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रशांत फरुखनगर और याकूब नगर के बीच पहुंचे कि तभी पीछे से एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उनकी बाइक को रुकवा लिया, उनके साथ मारपीट करते हुए उन पर फायर कर दिया। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर खेतों में भागे, लेकिन पीछे से बदमाशों ने फायर कर दिया, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 28 जुलाई की घटनाक्रम हुई थी जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम प्रशांत था, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फरुखनगर के अंदर है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। 28 जुलाई को शाम को लगभग 5:30 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनको मतलब गनशॉट इंजरी से इंजर्ड किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के पास जब सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा वहाँ पर पुलिस टीम गई और क्राइम ब्रांच ने वहाँ पर स्पॉट विजिट करा। उस संबंध में पता चला कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो प्रशांत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे, उनका गनशॉट इंजरीज के कारण जो एरिया जो था उनका स्पेसिफिकली फरुख नगर से याकूब नगर के बीच में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस संबंध में अज्ञात जो कुछ आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा गया और जो क्राइम ब्रांच हमारी फरुखनगर की है इनके अंदर जो इंचार्ज अमित है उनकी उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और समय रहते 3 दिन के अंदर अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले प्रशांत को चार युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने सुरेंद्र, संजीव, कुलदीप और अक्षय को गिरफ्तार किया, जिसमें सुरेंद्र और कुलदीप ने मृतक का रास्ता रोक इस घटना को अंजाम दिया और बाकी दोनों ने रेकी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की कार भी बरामद की है। जिस प्रकार से पहले ये पता चले ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर के दौरान जब गहनता से जांच करनी शुरू करी संबंधित क्राइम ब्रांच की टीम ने, बड़ी गहनता से काफ़ी सीसीटीवी वाइड एरिया को कवर करा और पूरी लगातार मेहनत और मशक्कत से लगातार 2 दिन तक उनकी वेरिफिकेशन कराई, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करी और उसमें संबंधित साइबर सेल जो हमारे यहाँ पर टीम है उनके द्वारा उन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और उनकी मदद करी और उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में सफलता प्राप्त करी। जिस दौरान जो व्यक्ति विशेष जो इस घटनाक्रम के अंदर आरोपी थे वो उन 4 लड़कों को 31 जुलाई को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है गुड़गांव पुलिस द्वारा। इनके नाम है जो सुरेंद्र है, संदीप है, संजीव और अक्षय। सुरेंद्र, संदीप, संजीव, अक्षय और कुलदीप, इन चारों द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मौके पर सुरेंद्र और कुलदीप ये दोनों एक बाइक के सवार होके आए, इन्होंने रास्ता रोका है प्रशांत का जब वो अपने घर जा रहे थे अपने कॉलेज से, तो उस दौरान ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उसके अंदर जो उनके साथी रहे जिन्होंने रेकी करी और इनको उस जो वारदात को अंजाम देने में मदद करी है, संदीप और संजीव उनको भी पकड़ने में सफलता हासिल करी गई है। इनसे जो रिकवरी करी गई है वो 2 पिस्टल हैं, 4 लाइव कार्ट्रिजेस इनसे बरामद करे हैं जब रिमांड लिया गया इनका, और एक I-20 है जो दिल्ली से चोरी है जो उन्होंने मौका वारदात का इस्तेमाल करा है, एक बाइक जो पानीपत से चोरी है। इन्होंने इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी बनाया था कि चोरी के व्हीकल्स यूज़ करेंगे, हथियार यूज़ करेंगे और फेस अपना इन्होंने ढक रखा था मौका वारदात पर जो CCTV में देखने को मिला है। अगर पुलिस प्रवक्ता की माने तो गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से मुख्य आरोपी सुरेंद्र की साली को मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत ने ही नौकरी पर लगवाया था। आरोपी सुरेंद्र इसी को लेकर मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर पर शक करता था कि वह उसकी साली से बातचीत करता है और उसकी साली के साथ उसका रिश्ता भी है। बस इसी की रंजिश रखते हुए आरोपी ने अपने साथियों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आरोपी का प्लान सफल भी हो गया। आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत पुलिस से बचने का पूरा प्लान तैयार किया और नकाबपोश बनकर चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की गाड़ी इस्तेमाल कर वारदात के दौरान उसका प्रयोग किया ताकि आरोपियों की पहचान ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक ना एक दिन आरोपी की गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं।
और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने 2-3 दिन के अंदर ही सभी आरोपियों को दबोच कर मामले का खुलासा कर दिया। जो रंजिशन वजह इस जो सामने आई है वो है कि जो सुरेंद्र है इसका जो मेन एक्यूज्ड है, इसने घटनाक्रम में मौके पर जो वारदात को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो इसकी पृष्ठभूमि है वो बैक ऑफ द जो पिक्चर है ये निकल के आई है कि जो सुरेंद्र की एक साली है, सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम रितु है, वो BM कॉलेज के अंदर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती है। जो डिकीज्ड है, मरने वाले हैं जिनकी हत्या कर दी गई, असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रशांत है, उन्होंने उसकी नौकरी लगाई थी, रितु को जो वहाँ पर जॉब दिलवाया था उनके थ्रू उनको नौकरी दिलाई गई थी, और रितु से कभी कभार उनकी बात होती थी फ्रेंडली टर्म्स में, अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि हम कोई और एंगल देखें इस चीज़ के अंदर, तो फ्रेंडली टर्म्स में उसकी बात होती थी, जिससे सुरेंद्र इन बातों को लेकर रंजिश रखनी शुरू कर दी प्रशांत के साथ। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ में सामने आया है कि जो सुरेंद्र का रितु के साथ कुछ हो सकता है संबंध रहा हो, इस एवज में सुरेंद्र ने ये रंजिश रखनी शुरू कर दी कि क्योंकि वो बात क्यों करती है या किस प्रकार से वो कई बार उनके साथ आना जाना करती थी, तो इस संबंध में रंजिशन रखते हुए काफी इसने अपने साथियों के साथ ये प्री प्लानिंग करी और इस वारदात को घटा। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से आरोपी सुरेंद्र अपनी साली की चाहत में इतना पागल हो गया कि उसने बात करने को लेकर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपियों से यह जानकारी जुटाई जा सके कि आरोपियों को चोरी की गाड़ी व हथियार किसने उपलब्ध कराया था। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरूखनगर, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।